ऐसे पायल ऐसा रखे नहीं हाँ हाँ आगे बढ़े सही बात आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा के बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोग इनका छुट्टी है, आज बुद्ध पूर्णिमा का, तो हम लोग जा रहे हैं एक मंदिर। क्या है मंदिर? कहाँ? रमई पाट एक वहाँ मंदिर है, वहाँ जा रहे हैं। फिर वहाँ से हम लोग घटारानी जतमई जाएंगे। आप लोग ब्लॉग पे बने रहिएगा, वहाँ का मंदिर का आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे। चला गया बेचारा, पलट गया। अगर आता ना आ जाता, पलट गया बेचारा खुद ही। ऐसा कैसा होता है बात भी मोबाइल से सामने से देखने का? मतलब नॉर्मल कैमरा ही तो। अभी हम लोग फिंगेश्वर जो है नदी मोड़ फिंगेश्वर से रमई पाट की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, और एक खूबसूरत जो है नज़ारे आप देखिए और इसका आनंद उठाइए। व्लॉग में बने रहिए, और इस चैनल में अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। गाड़ी चले। अभी हम लोग सुंदर वादियों को जो क्रॉस कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि वादियाँ देखने के लिए आप कश्मीर ही जाएँ, छत्तीसगढ़ में भी बहुत सुंदर सुंदर जगह है। जो गरियाबंद जो है जगह एकदम मनोरम है, बिल्कुल भाई प्रकृति से भरपूर है गरियाबंद। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट जरूर घूमिए, अभी भी घूमिए, और बरसात में स्वर्ग है ये, तो आनंद उठाइए बिल्कुल सीन सीनरी का। और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलो बढ़ो। क्या क्योंकि हम लोग सीन सीनरी का आनंद उठाते, इसीलिए इस लैंडमार्क को आप याद रखिए। यहीं से रमई माता मंदिर जो है रमई पाट के लिए मुड़ना पड़ता है अपने को, तो ये लैंडमार्क ज़रूर आप लोग याद रखिए, और इस मंदिर में एक बार ज़रूर विजिट करिए इस मंदिर को। लक्ष्मण भी आ गया बिल्कुल एकदम। सब्सक्राइबर है यार। अरे अरे एक मिनट में आ रहा हूँ, है ना, ले गुरु ले ले। आप पूरा वर्णन कीजिए, आप अपना नाम वाले बता दीजिए। अपना नाम के संतोष कुमार सिंह। हाँ हाँ, ग्राम सूरत। ऐसा ना, ये ग्राम सूरत फिंगेश्वर में आता है क्या? ये छुरा ब्लॉक में। छुरा ब्लॉक में, ठीक है। तो मंदिर के बारे में, मंदिर में कौन कौन से देवी देवता हैं यहाँ पर? यहाँ गादी माई का मेन मंदिर है। हाँ हाँ। रमई माता का मंदिर है। हाँ हाँ। और शंकर जी का है, नरसिंह नाथ का है। हाँ हाँ। बजरंग बली का है, राम जानकी का है। अच्छा। विष्णु भगवान का है, गंगा मैया का है, काल भैरव का है। हाँ हाँ। बकरम पाट का है। हाँ। ये सब सारी देवता यहाँ पे है। तो यहाँ जो सीता मैया का एक मंदिर बोलते, वो जो रमई माता को उन्हीं को बोलते हैं, उन्हीं को सीता मैया बोलते हैं। पानी निकलता है यहाँ से, आम का पेड़ के झाड़ से पानी निकलता है हमेशा ना, हमेशा निकलते आम के झाड़ से पानी निकलता है यहाँ से, आम का पेड़ आम के झाड़ से पानी निकलता अपने आप हमेशा ना, हमेशा निकलते हैं आम के झाड़ से, आम के झाड़ से। ये कितना दिख जाएगा हम लोग को, जा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अभी पानी गिरेगा? नहीं नहीं, वो आप वहाँ पे जाके कुंड के पास देखेंगे ना। हाँ हाँ, वो जो पानी आ रहा है
नाली के द्वारा वो पानी जो है नीचे सप्लाई हो रहा है, जब दूत वगैरह जलते हैं तो भंडारा का जो व्यवस्था रहता है उसी पानी, पानी वही सप्लाई होता है ऊपर। मेला यहाँ से लेकर वो तालाब है ना, वहाँ तक लगता है, वो भी पानी यहीं से सप्लाई होता है। अच्छा, चलिए ठीक है, हम लोग दर्शन करके आते हैं। चलो तो कुछ ले लो चढ़ाने वाला के लिए। चलिए, जय माता दी। लक्ष्मण कुछ कमेंट कैसा रहा होता अभी जर्नी अपन जो चरोदा से यहाँ तक आए अपन? मस्त लगा, मस्त लगा, रोड भी बढ़िया है ना, प्यारा है ना। अपन वहाँ देखते हैं खाली बिल्डिंग बिल्डिंग और हरा भरा खुला 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 झाड़ उड़े, बढ़िया ना सीन सीनरी देखने मजा आता है ना, मस्त पेड़ है। तो हमारे साथ आज जो है वो लक्ष्मण जो हमारे चीफ गेस्ट है आज के जो है ना, बहुत अरसे से तमन्ना थी कि भैया लोग के साथ हम लोग भी कहीं टूर जाए, टूर जाए। आज स्टार्ट हो गया माता रानी का दरबार से, है ना, है ना। अब हम चाहेंगे कि भैया हम लोग को कहीं कहीं ले जाए और अच्छे अच्छे जगह, अरे बिल्कुल आपको जाए। एक से की जगह घुमाया जाएगा, स्टार्ट है हम लोग, बस आप बिल्कुल गाड़ी का चाबी लेके तैयार रहो, बिल्कुल धना धन हम लोग ले जाएंगे फिर। चलो भाभी कैसा लग रहा है? अच्छा अच्छा लग रहा है ना, चलो नेचुरल एकदम ग्रीन है, ग्रीनरी बिल्कुल चारों तरफ। यह जो शिलालेख है मंदिर में स्थित है, इसमें कुछ लिखा हुआ है कि किसने भूमि पूजन किया, क्या है, कौन राजा था, तो इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, हिस्ट्री जान लीजिए। देखिए राम सेतु का पत्थर है, उसका एक भाग है यहाँ पर भी, ये रमई माता मंदिर में, तो इसके भी आप लोग दर्शन कर लीजिए, शुभ दर्शन है और बहुत इसका पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व भी है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको, दर्शन कर लेते हैं। शिव भगवान का मंदिर लिखा हुआ, देखिए शिव मंदिर निर्माण करता स्वर्गीय प्रेमलाल सिन्हा जी स्मृति में इनकी पत्नी के द्वारा। परशुराम संयम रखिए, परशुराम ऊंचे सीता मैया कच्चा पर भेज सुन हम जाके ना कली यह कर देंगे। हाँ। और राम भी सब ऐसे धैर्य मारे टूट गया, टूट गया, मैं छोटे भाई हूँ। हाँ। तब तो परशुराम पर फरसा लेके परशुराम और लखन पर तैयार हो गए थे। हाँ। एक कतका पुराना मूर्ति है बाबा जी, है 8वीं शताब्दी। अच्छा 8वीं शताब्दी की है ना। पधारे वाले नहीं थे दादा, पधारे वाले नहीं थे, 8वीं शताब्दी की मूर्ति है। अच्छा, वैसी तो मूर्ति एढ़ार निकली के कहीं से आया है मूर्ति, ये अलग कोई नहीं बता सके। अच्छा, कोई नहीं बता सके, चार पीढ़ी नहीं बता सके, कई ऐसा ही बात है। जब से वनवास गए थे ना, तब ब्रह्मा लिखे खींचे थे तीन नाम, रावण ऐसे पैर मारे थे आगे बड़ी उठाल धर ली, मनाती तो जल खुआ हो जाती, लक्ष्मण के ब्रह्मा रेखा आए वो तबला, ये भी है अपन जंगल है घनघोर। हाँ हाँ, गुड़के सत्य दादाजी अब करेंगे तब यहाँ आगे छोड़े छोड़े। इसी मंदिर परिसर में भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा माता की प्रतिमा स्थापित है और इसी के बगल में माँ दुर्गा की भी एक सुंदर प्रतिमा स्थापित है जो मंदिर को बहुत सुंदर बना देती है। तो दर्शन करिए, जय माता दी। माता मंदिर के सामने में ये नरसिंह भगवान की प्रतिमा स्थापित है और कहावत ऐसा है कि ये माता की रक्षा के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, ऐसा पुजारी ने हमें बताया है। बोधाराम, बोधाराम जगत भुंजिया, महाराज से भी मुलाकात हो गया, गरुड़ जी की प्रतिमा भी है, गरुड़ की प्रतिमा है, मंदिर पे ही स्थापित है ये। सिक्का सिक्का दो। और ये है बगरम पाठ, और ये जंजीरों में जकड़ी हुई माता रमई माता मंदिर, ये माता का भी मूर्ति है, ये भी जंजीरों में जकड़ा हुआ है, इसका भी कुछ कथा है और शायद कई लोग का जो मन्नत रहता है उन लोग आके यहाँ पर जंजीर चढ़ा के जाते हैं। पाताल लोक देवी भी के रूप में हनुमान जी। अच्छा, ये हनुमान जी का रूप है, मतलब ये देवी का रूप है हनुमान जी का, मतलब देवी के रूप में विराजमान है हनुमान जी।
भोलेनाथ की भी एक सुंदर प्रतिमा है यहाँ पर मंदिर में स्थापित है। भोलेनाथ तो खैर वैसे हर जगह विराजमान रहते हैं। माली माँ का भी है यहाँ पर। देवी प्रतिमा है, किस देवी देवी तरह की है ये हम लोग को मालूम नहीं है, लेकिन देखिए आप इसको भी देखिए। और ये सब आर्ट बने भी रहता है गांव में भी बहुत सुंदर से। और ये बजरंगबली का मंदिर है, अंदर भी प्रतिमा है। जय बजरंगबली। ये मनोकामना ज्योति कक्ष है और बहुत सुंदर है। नवरात्र के टाइम यहाँ ज्योति प्रज्वलित की जाती है। और ये जंजीर जो है जिसका मन्नत पूरा होता है वो चढ़ाते हैं क्या? संतान उन्तान जिसका बच्चा उच्चा जो नहीं होता है। अच्छा, होकर के लिए बढ़िया बने। अच्छा, वो चखते यहाँ ला के डाल देते हैं ना? कहाँ नाम है तुम्हारा मन के? नाम बता दे। और आपके? चमरू। कौन से गाँव के? बोरसी। नज़दीक में है बोरसी? ले बने हैं बिल्कुल, है ना। चलो नमस्कार। गोविंद आम का झाड़ वहाँ ऊपर है ना? चल। हाँ, आप आए तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा? देखो वातावरण बिल्कुल सुंदर है यहाँ का, है ना। तो सभी लोग को हम लोग बोलेंगे भी कि जरूर आइए यहाँ इस जगह एक बार, तो जरूर घूमने के लिए यहाँ पर आइए आप। तो थैंक यू ललित भैया, आपके गाँव के आगे जो ये माता का मंदिर आपने बताया बहुत सुंदर है यहाँ। तो ललित भैया जो हमारे DRM ऑफिस में सिग्नल डिपार्टमेंट में है, वही ललित साहू, तो उनका गांव भी रास्ते में है। उन्होंने ही मुझे बताया है कि यहाँ जाओ, बहुत अच्छा मंदिर है करके। राजन, अच्छा वो भी मंदिर दुर्गा माता का है। रुक गया, ये आम झाड़ ये वाला है, आ जाओ इसको देखो। ये देखो भाई, यहाँ पर जो विष्णु भगवान है शेषनाग शैया पे लेटे हुए हैं, माता लक्ष्मी भी वहाँ उनके साथ में विराजमान है बिल्कुल। अच्छा लग रहा है, नेचुरल है ना। ठीक, ये सब बॉम्बे में देखने नहीं मिलता तुमको ना, इतना अच्छा ब्यूटीफुल सीन। हाँ ये देखो, देखिए यहाँ पर ये जो आम का झाड़ है, है ना, और ये जो कुंड है, ये कुंड में 12 महीना पानी रहता है, जबकि ये ऊंचे जगह में पहाड़ में है ये वाला, लेकिन फिर पानी कहाँ से आ रहा है इसका स्रोत पता नहीं है, लेकिन 12 महीना जो है ये पानी यहाँ पर रहता है। और इसी पानी से जैसा महाराज बता रहे थे, चैत्र नवरात्र और कुंवर नवरात्र में जितने भी जो भोग वगैरह जो बनता है, लोगों को पीने वीने के लिए ज़रूरत पड़ता है, इसी पानी का उपयोग किया जाता है। ये पानी यहाँ से बहते हुए नीचे चले जाता है और पूरा इसी पानी का ही उपयोग किया जाता है बिल्कुल। क्या दिख रहा है? तत्वा जैसे। देखो देखो, है ना, ज़्यादा मत छुओ। तो ये बहुत पवित्र पानी है। जय माता दी। अच्छा कौन से कौन ढार से आते पता नहीं है ना? अच्छा ये ढार से आते, इधर सीधा से ऐसे सीधा। अच्छा एकर स्रोत ना, ये डोंगरी और वो पार हुए इसने डोंगरी ऐसे घूमे ऐसे। अच्छा अच्छा, ता वो करना अदत के जान डबरा सन नहीं। हां हां हां, हरे चल। हां हां हां, अच्छा अच्छा, यहां से निकले। हां नाम भी बता दे, आपके नाम ला बता दे, ये वीडियो में आई ना। कौन से गांव के? फिंगेश्री ना। ये चले बने ना, ऐसा ना, ये गांव का ना, पारसी निक। यहाँ झाड़ के बगल से एक रास्ता है जो गंगा माता का मंदिर है, तो ये भी मैं वीडियो में कवर कर लेता हूँ इसको भी। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया की। ये गंगा माता की सुंदर सी प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है। जय माता दी, जय माता दी। बहुत सुंदर जगह है भाई, बिल्कुल एकदम हरी भरी वादियाँ हैं, चारों तरफ जंगल है मंदिर के चारों तरफ। ये तो बिल्कुल एकदम बहुत सुंदर, बच्चों के साथ फैमिली वाले पूरे आके पिकनिक भी इसको मना, पिकनिक के रूप में भी मना सकते हैं। गंगा माता का मंदिर, क्या
गंगा दुर्गा माता का मंदिर भी है यहाँ पर, चारों तरफ मंदिर ही मंदिर है भाई, है ना। रास्ता बढ़िया बना हुआ है, माता रानी का मंदिर है यहाँ पर, देखिए। जय माता की भी, पट बंद है दोपहर का समय करके, लेकिन बहुत सुंदर है यहाँ पर, नवरात्र के दिन में बिल्कुल चहल पहल रहता होगा इस मंदिर में। जय माता दी, जय माता दी। ये मंदिर से बाहर निकलने का रास्ता है, अभी हम लोग का दर्शन वगैरह पूरा हो गया है, और एकदम आइडियल पिकनिक स्पॉट भी है ये वाला। और सभी से रिक्वेस्ट है कि जैसा ठंडी वंडी का मौसम है तो बिल्कुल आइए, बिल्कुल घूम के जाइए यहाँ पर, है ना। बहुत सुंदर जगह है भाई, लेकिन एकदम अभी कुछ लोग भी आते हैं, जैसा खाना वाना अगर बनाना है तो इस एरिया भी जा सकते हैं अपन, खाना वाना जाके बना, एकदम नेचुरल है भैया, बिल्कुल एकदम रमाई पाठ छुरा के अंतर्गत आता है ये वाला एरिया, याद है जो। माता का मंदिर का दर्शन हो गया है, अब हम लोग जतनई घटा रानी की तरफ बढ़ रहे हैं।